बस दिल्ली ना जाना पड़े छोटी मोटी चीज़ों के लिए कि नहीं ऑपरेशन यहाँ पे अच्छा नहीं है बाहर दिल्ली जाना पड़े, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम यहीं पे सेटअप अपना वापस लेके आए। बेगूसराय में जो है दिल्ली में सेवा देने वाले एक डॉक्टर रवि कुमार अब बेगूसराय में जो है सेवा देने के लिए पहुंचे। हमारे साथ डॉक्टर रवि सर हैं, इनसे बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले डॉक्टर रवि सर का परिचय दे दें। डॉक्टर रवि सर हैं, MBBS हैं और MS हैं, और यहाँ पर जो है इन्होंने अपना एक क्लिनिक खोला है, जो क्लिनिक है कह सकते हैं न्यू चाणक नगर में अमन कॉम्प्लेक्स है, उसी में जो है इनका ये क्लिनिक खुला है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका द बिहार झारखंड। थैंक यू सो मच सर। दिल्ली में रहे हैं, बेगूसराय में आने का क्या? बेगूसराय में आने का ये था कि जैसे कि जन्मभूमि तो यही है हमारा, ठीक है, तो वापस तो यहीं पे आना है। दिल्ली में सेवा दे रहे हैं जब तक हम काम कर रहे हैं बाहर, आगे जाके प्लान तो हमेशा यही था कि बेगूसराय वापस आएंगे। जैसे मेरे पापा का हमेशा प्लान था कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, बट घर में कुछ परिस्थिति रही कि वो नहीं बन पाए, तो पापा ने मुझे बनवाया। पढ़ाई में बहुत मदद की पापा ने, फैमिली चाचा जितने भी हैं सब एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी कुछ मेरे से, तो मैं चाहता था कि वापस आके यहाँ पे सेवा दो कि बार बार हमारे सदस्य को वापस दिल्ली ना जाना पड़े छोटी मोटी चीज़ों के लिए कि नहीं ऑपरेशन यहाँ पे अच्छा नहीं है बाहर दिल्ली जाना पड़े, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम यहीं पे सेटअप अपना वापस लेके आएँ, यहीं पे अपना सेवा देना स्टार्ट करें। तो अभी जो है बेगूसराय में किन किन चीज़ों के की सुविधाएं आप अपने क्लिनिक में दे रहे हैं? अपने यहाँ पे OPD सर्विस और IPD मतलब कि पेशेंट को मॉर्निंग में जैसे देखना वो भी, और साथ साथ में OT, और साथ ही साथ किसी को एडमिट करने की ज़रूरत पड़े तो एडमिट भी, और इमरजेंसी भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इमरजेंसी ऐसे जनरल तो हम सारा प्रोवाइड कर रहे हैं, और ज़्यादा एडवांस इमरजेंसी सेटअप भी हम धीरे धीरे लेके आएंगे। सर कितने बेड का एक आपका क्लिनिक चल रहा है अभी? ये अभी बेड ऐसे हमने एक्सपेंड नहीं किया, एक्सपेंड में अभी हमने टोटल 5 बेड्स रखे हैं अभी, तो स्टार्टिंग में एक हमने एक्स्ट्रा रखा है पोस्ट ऑप के लिए, पोस्ट ऑप एंड प्री ऑप के लिए, OT के बाद के लिए पेशेंट्स के लिए, बाकी अलग से अपने बढ़ाया नहीं है अभी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे उसके लिए। इलाज की बात करें तो किन किन चीज़ों का इलाज आप यहाँ कीजिएगा? इन जैसे कि OPD में तो हम सारे पेशेंट ही देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ जैसे कि हर्निया में, जैसे कि मेरी थीसिस थी आप देखेंगे, ये मेरा थीसिस था, तो हर्निया में मेरे काफ़ी ज़्यादा वो है कि मतलब ज़्यादा रहता है कि हर्निया पेशेंट्स में ज़्यादा इंप्रूवमेंट रहे, या फिर हर्निया विशेषता मतलब आप समझ सकते हो हर्निया में। बाकी रेस्ट, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली, किडनी स्टोन्स, साथ ही साथ अपने ब्लैडर स्टोन्स, तो ये सारा हम ऑपरेट तो सारा ही करते हैं। साथ ही साथ ज़्यादा में जैसे वेरिकोज वेन, जो नसों की दिक्कत वगैरह होती है वो भी हम देखते थे, और बाकी साथ साथ ट्रामा तो देखते ही हैं। ट्रामा मतलब जो एक्सीडेंट हमारे जो पेशेंट्स हैं वो दिल्ली से, क्योंकि जो हमारे मैक्सिमम दिल्ली में जो पेशेंट्स रहते हैं वो सारे आते कहाँ से, बिहार से आते हैं, UP से, इधर से स्टेट से ही जो जाते हैं, क्योंकि तंग आके कि हमारे पास अच्छे कई बार सुविधा नहीं मिलती है, अच्छा फंक्शनलिटी नहीं होती, या फिर हेल्थ सर्विसेज कई बार बहुत पुअर रहती है हमारे साइड में, तो दिक्कत वही आती है कि अच्छे डॉक्टर्स कुछ हैं लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है, कहीं और कहीं इलाज कर लेते, गलत इलाज कई बार हो जाता है पेशेंट्स के, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। यहाँ से दिल्ली जाना इलाज करवाने में, वहाँ रहना भी तो पड़ेगा, घर से बाहर रहेंगे तो पैसा ज़्यादा लगता है, पेशेंट पे ज़्यादा दिक्कत आती है। मेरा था कि वहाँ पे वही सेम पेशेंट हम ट्रीट कर रहे हैं, वापस आके घर में अपने पेशेंट अपने लोग को यहीं पे इलाज करें, दूर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सर आप शहर से ग्रामीण क्षेत्र में अब आ गए हैं, पहले आप शहर में थे ग्रामीण क्षेत्र में आए, तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे भी मरीज आएंगे जो मतलब कि ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि डॉक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं सर्जरी के नाम पर, इसे तो इस तरह का क्या कुछ मतलब अलग उसके लिए जो हमारे पास रहेंगे, जैसे कि आजकल तो आधार कार्ड है, ये अपना इकोनॉमिक वीक सेक्शन का अलग से कार्ड आता है, अगर उन पेशेंट्स के पास ऐसा कार्ड अवेलेबल रहेगा साथ ही साथ उनको और ज़्यादा सुविधा हम दे सकते हैं, जितना मिनिमम हमारे पास जो मिनिमम पे हम ट्रीट कर सकें उन्हें, तो वो प्रोवाइड हम कर सकते हैं। और दूसरा नंबर है सर, एक चीज़ और पूछना था, पेशेंट के साथ जो है एक अटेंडेंट भी रहते हैं, तो उनके लिए मतलब रुकने का यहाँ पर इस तरह का कुछ व्यवस्था? ये हमने सोच के ही देखा है, क्योंकि ये बहुत हॉस्पिटल्स में देखा है कि पेशेंट के अटेंडेंट कई बार बाहर खड़े होते हैं वेटिंग एरिया में, तो उनके लिए भी हमने अलग से रूम का भी सुविधा स्टार्ट किया हुआ है नीचे, कि वहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट को रूम्स अवेलेबल चाहिए, तो रूम्स की भी सुविधा हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको उसके लिए।